दोस्तों, क्या आप Redmi Note 5 Pro खरीदना चाहते हो? क्या आप Redmi 5 को खरीदना चाहते हो पर आपको फ्लैश सेल के अंदर नहीं मिल रहा है? सो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा कैसे Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 5 को और Redmi 5 को किसी भी Redmi फोन्स को कैसे खरीदते हैं फ्लैश सेल के अंदर। यहाँ पर आपको दो तरीका बताऊंगा। पहले मेथड के अंदर आपको फ्लैश सेल का जो स्क्रिप्ट होता है वो मैं आपको दूंगा, उसके साथ साथ आपको बताऊंगा क्रोम का जो एक्सटेंशन अवेलेबल है उसके साथ कैसे Redmi इस फ़ोन को खरीदते हैं। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना। दोस्तों, इस तरह की इंटरेस्टिंग टेक वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो सर्वप्रथम दोस्तों, आप जो भी फ़ोन खरीदना चाहते हो उस फ़ोन को खरीदने के लिए उस वेरिएंट को चूज़ कर लो। वेरिएंट के चूज़ करने के बाद फ्लैश सेल शुरू होने से 30 मिनट पहले उस पेज के ऊपर ले जाओ। यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास एक अच्छे खासी नेट कनेक्शन होना चाहिए। सो क्या करें, एक खाली पेज में जाके वहाँ पर राइट क्लिक करके इंपैक्ट में जाना पड़ेगा। इंपैक्ट में जाने के बाद आपको कंसोल करके एक टैब मिलेगा, कंसोल ऊपर सेकंड में, ठीक है। सो कंसोल में जाके आपको रेस्पॉन्स में मिल जाएगा जो चीज़ आपको कॉपी करना होगा। सो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। रेस्पॉन्स में जो स्क्रिप्ट है उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके एंटर कर दो। उसके साथ साथ आपके फ़ोन के ऊपर ऑटोमेटिकली जो वेरिएंट आप सिलेक्ट किया हो वो आप कार्ट के ऊपर ऐड हो जाएगी। सो यहाँ पर आज फ्लैश सेल नहीं है, सो यहाँ पर मुझे नहीं दिखा रहा है। सो जो नेक्स्ट मेथड है वो है दोस्तों, जो ये जो स्क्रिप्ट है दोस्तों, ये Redmi 5 के लिए भी काम करेगा, Amazon के ऊपर भी काम करेगा। सो जो डेट है दोस्तों फ्लैश सेल का वो 20 मार्च है। उस दिन जाके आप या कंसोल के अंदर जाके जो स्क्रिप्ट है उसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपके कार्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली Redmi 5 Pro चला आएगा, Redmi 5 भी चला आएगा। आपको सिर्फ वहाँ से पेमेंट मेथड चूज़ करना पड़ेगा और कैप्चा फिल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप चाहो तो एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो। क्रोम स्टोर में जाना पड़ेगा, गूगल क्रोम स्टोर, वहाँ पर सर्च कर लो प्राइस ट्रैकर करके। वहाँ पर जाके जो प्राइस ट्रैकर होगा उसको आपके कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो और ढेरों सारे प्राइस ट्रैकर अवेलेबल है, वहाँ से भी आप सिलेक्ट कर पाओगे। सो आप देख ही पा रहे हो मेरे फ़ोन में प्राइस ट्रैकर को यूज़ कर रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी एक्यूरेटली काम करता है और सक्सेसफुली आपके कार्ट के ऊपर Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro और Redmi 5 को ऐड भी कर सकता है। ये Amazon EMI होम स्टोर और उसके साथ साथ फ्लिपकार्ट तीनों के ऊपर ही काम करेगा। अगर आप चाहो तो बाई हाट के को इंस्टॉल कर सकते हो। उसके साथ साथ ढेरों सारे एक्सटेंशन अवेलेबल होती है, उसके ऊपर चाहो अगर आप चाहो तो इसे अपने फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल करके देख सकते हो। एनीवे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो को देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।